हेलो स्टूडेंट्स, एज वी लर्न अर्लियर माय नेबरहुड, नाउ वी हैव टू लर्न इन माय नेबरहुड. राइट नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट हॉस्पिटल, देन फायर स्टेशन, एंड देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट पुलिस स्टेशन. यस, पुलिस स्टेशन, हाउ दे हेल्प अस, हाउ दिस थिंग्स हेल्प अस. Okay children, before going to learn about hospital, let's do some recap about my neighborhood. Yes children, let's see. The area around a house is a neighborhood. हमारे घर के आसपास जो एरिया होते हैं उसे हम पड़ोस कहते हैं, आस पड़ोस कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं. नेबर People living in a neighborhood are called neighbors. Neighbors help one another. Neighbors वो होते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जो हमारे घर के आसपास लोग रहते हैं उसे हम neighbor कहते हैं. वो हमें हमेशा help करते हैं. Every neighborhood has a market, post office, banks, ATM, etc. Market has many shops. They provide lots of things for daily needs or whatever we needs. Market से हमें वो सारी चीज़ मिल जाते हैं जो हमें रोज़ की ज़रूरत होती है या फिर कभी भी ज़रूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं. Yes, we visit a market. Yes, children, whenever need letters, hospital. We go to a hospital or clinic when we are sick or injured. हम लोग हॉस्पिटल तब जाते हैं जब, या फिर क्लिनिक तब जाते हैं जब हमें चोट लग जाती है, हम इंजर्ड हो जाते हैं या फिर हम बीमार पड़ जाते हैं. तब हम कहाँ जाते हैं? यस, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं. ओके चिल्ड्रन, देर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं. डॉक्टर्स टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक. डॉक्टर हमें ये बताते हैं हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है. नर्सेस लुक आफ्टर पीपल हु टू स्टे इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं उन्हें, जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उन्हें कौन देखभाल करता है? यस, उनकी देखभाल, उनकी टेक केयर कौन करती है? यस, दे नर्सेस दे टेक केयर ऑफ द पीपल हु स्टे इन द हॉस्पिटल. जो हॉस्पिटल में रुकते हैं उनकी देखभाल नर्सेस करती हैं. जो भी मरीज होते हैं जिन्हें कोई भी परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, उनके सारी प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्हें देखना नर्सेस करती हैं. सम नेबरहुड हैव अ डिस्पेंसरी. हमारे पड़ोस में कुछ डिस्पेंसरीज भी होते हैं. अ डिस्पेंसरी इज़ मच स्मॉलर दैन अ हॉस्पिटल. यस, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से बहुत छोटा होता है जहाँ पे भी ट्रीटमेंट की जाती है. मोस्ट नेबरहुड्स हैव केमिस्ट शॉप्स. बहुत सारे हमारे पड़ोस में केमिस्ट शॉप भी होते हैं. वी बाय मेडिसिन फ्रॉम हेयर. हम लोग मेडिसिन वहाँ से लेते हैं. चिल्ड्रंस, हॉस्पिटल के बारे में आपने जाना. हॉस्पिटल में क्या होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर हमें चोट लग जाती है तो हम कहाँ जाते हैं? यस, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं. लेकिन अगर इमरजेंसी है हम और हॉस्पिटल दूर है तो हमारे आसपास क्या होता है? डिस्पेंसरीज भी होती है जहाँ से हम जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं छोटी सी इंजर्ड के लिए. यस, और हम लोग केमिस्ट जॉब से मेडिसिन भी ले सकते हैं. केमिस्ट शॉप, जहाँ जो दवाई की दुकान होती है उसे हम केमिस्ट शॉप कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग केमिस्ट शॉप से मेडिसिन कहाँ से लेते हैं? यस, केमिस्ट शॉप से. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट फायर स्टेशन. देयर आर फायर स्टेशन इन मोस्ट नेबरहुड्स. फायर स्टेशन भी हमारे नेबरहुड में होते हैं, हमारे पड़ोस में होते हैं. When there is a big fire, we call up the fire station. हम लोग कहीं भी अगर
बहुत बड़े मात्रा में आग लग जाती है तो हम किसे बुलाते हैं? यस, वी कॉल देम फायर स्टेशन। हम लोग फायर स्टेशन में कॉल करके फायर स्टेशन पे लोगों को बुलाते हैं। और फायर स्टेशन हैज़ फायर इंजन्स एंड फायर फाइटर्स। यस, फायर स्टेशन में कौन कौन होते हैं? यस, फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स होते हैं और फायर इंजन्स होते हैं जिसके द्वारा आग बुझाने का काम किया जाता है। यस, द फायर फाइटर्स पुट आउट फायर एंड सेव लाइव्स। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं और वो जिन बहुत सारे जिंदगियां बचाते हैं, लोगों को जलने से बचाते हैं। हैव यू मेट अ फायर स्टेशन फायर फाइटर? क्या आपने कभी फायर फाइटर से मिला है? पुलिस स्टेशन, मोस्ट नेबरहुड्स हैव अ पुलिस स्टेशन। हमारे बहुत सारे इस पड़ोस में पुलिस स्टेशन भी होते हैं। द पुलिस गार्ड आवर नेबरहुड एंड कीप इट सेफ। पुलिस हमारे नेबरहुड को गार्ड करते हैं और हमें सेफ रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस फाइंड लॉस्ट गुड्स। वे हमारे सामान अगर कहीं खो जाते हैं तो उसे भी पकड़ने में मदद करते हैं। सामान हमें सुरक्षित मिल जाए इसके लिए वो हमें हेल्प करते हैं। सम पुलिस वुमेन एंड पुलिस मैन कंट्रोल ट्रैफिक। कुछ पुलिस वुमेन और पुलिस मैन क्या करते हैं? वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे कौन कंट्रोल करता है? यस, वहाँ एक पुलिस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। दे आर कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। उन्हें हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक पुलिस। हमें ट्रैफिक पुलिस की आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रैफिक में हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और रास्ते में अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम इंजर्ड भी हो सकते हैं, हमारे कारण लोग भी इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्रैफिक पुलिस की ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें सबकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओके चिल्ड्रंस, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन, अंडरस्टूड वेल। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एंड यू हैव टू मेक इट समरीज एंड यू हैव टू मेक राइट अ हार्ड वर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू चिल्ड्रंस, एंजॉय योर डे।